गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई शॉर्ट वीडियोज़ नहीं बोलूंगी क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। सो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठी। यहाँ पर मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, गले में भी दर्द था, हल्का हल्का फीवर भी लग रहा था। सो यहाँ पर मैंने गर्म पानी किया, सोचा थोड़ा गर्म पानी पी लूँ तो शायद गला ठीक लगे, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। पकड़ लिया पानी पीने के बाद मैंने भिगोए थे चने, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं छोले पूड़ी। सो यहाँ पे मैंने चने को उबालने के लिए रख दिया। और ये देख सकती, ये है मेरी बेटी, इसका भी तबीयत ख़राब हो चुका था। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे जब गांव आते हैं तो दोनों बीमार पड़ जाते हैं, बुखार सर्दी जुकाम सब हो जाता है, मतलब जो नहीं भी होता है वो भी हो जाता है, देख सकते हो। तो मैं इसको नीचे ले जा रही थी क्योंकि बोल रही थी मुझे बाबू के पास जाना है, बाबू नीचे था तो उसके पास मैं ले गई। और ये ठंडी तो वैसे उतनी नहीं थी, बट हल्की हल्की ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि लहसुन अदरक की सब का पेस्ट तैयार कर रही हूँ और प्याज वगैरह छील के सब रेडी करके आज बनाऊंगी छोले। वैसे तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ दिसंबर में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी होती है, बट यहाँ मुझे उतनी ठंडी फील नहीं हुई, तो ये चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मुझे स्वेटर की उतनी ज़रूरत भी नहीं लगी। सो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ नीचे बात कर रही हूँ क्योंकि नीचे मेरी जेठानी बैठी हुई थी, वो आटा लगा रही थी, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। रोटी बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी, रोटी या पूड़ी जो भी हो, मैं सब्जी बनाती थी वो रोटी बनाती थी। तो यहाँ पे वो आटा लगा चुकी है, देख सकते हैं। और मैं अपना शायद मिक्सी में पीसने का प्याज वगैरह, ये टमाटर वगैरह का पेस्ट रेडी कर रही थी और साथ में बात भी कर रहे थे। अच्छा, बात करते करते हम लोग काम कब कर लेते थे पता ही नहीं चलता था, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप अकेले खाना बनाओ तो आपको लगता है कि हाँ अकेले हम खाना बना रहे हैं, लेकिन अगर आप दो लोग मिलकर खाना बनाओ तो आपको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे बीत गया और खाना भी बन के रेडी हो जाता है। ये मिक्सी को मैं इधर से उधर घुमा रही थी कि कहीं का कॉर्ड ले ही नहीं रहा था, मिक्सर मेरा चल नहीं रहा था, तो फिर फाइनली इधर वाला जो था तो यहाँ पे प्लग करके मैंने ट्राई मारा तो यहाँ चल गया। सो यहाँ पे मैंने इसको पीस के रेडी किया। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेरी जेठानी जो कि क्या रोटी, हाँ रोटी बनाने का काम स्टार्ट कर रही है। रोटी नहीं, पूड़ियाँ ही बनेगी, थोड़ी बहुत जो रोटी खाते हैं उनके लिए रोटी बनाया जाएगा। सो यहाँ पे साइड में मैं अपना छोला रेडी कर रही हूँ। सो ये देख सकते हैं। अच्छा, अभी आगे आप वीडियो में देखना मेरी जेठानी कैसे करेंगी कैमरा। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन कर करके छोड़ दे रही थी, तो वो आके ये देखिए उनकी हरकतें इसमें कैप्चर हो गई। सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ पीसने वाला प्रोसेस मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ता था खाना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता था। तो ये अगर आप मेरे पेज पे पहली बार आए हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लो ताकि इस तरीके की और वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। तो चलो बाय।